जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज जो हम बात करेंगे धोखे के योग के बारे में। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि आप बहुत धोखा खाते हैं, आप मित्रों से धोखा खा जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम भूमि में धोखा खा गए, मकान के मामले में हम धोखा खा गए, महिला मित्र या प्रेमी या प्रेमिका से हम धोखा खा गए, विवाह में भी हम धोखा खा गए, साझेदारी का काम करते हैं उसमें भी धोखा खा गए। कई बार कई लोग कोई भी काम करते हैं उसमें धोखा खा जाते हैं। तो हमारी कुंडली में ऐसे क्या योग बनते हैं और हम कैसे जानें कि हम इससे बचें और इसके क्या उपाय करें? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए, हमारी कुंडली के अंदर जो चौथा घर होता है, मतलब चतुर्थ भाव जो होता है, उसमें राहु या नीच का मंगल हो तो हम धोखा खाते हैं। सप्तमेश का स्वामी, मतलब सप्तम घर का राहु और शुक्र या बुध या चंद्र पर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो तब भी हम धोखा ज़्यादा खाते हैं। और हमारे हाथ के अंदर जो भाग्य रेखा है, अगर वो भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के पहले पोर पर अगर चढ़ जाए तब भी हम काफ़ी धोखा खाते हैं। कई बार तो हमें जान भी गंवानी पड़ जाती है, मतलब ज़बरदस्त धन के मामले तो हम ज़बरदस्त धोखा खाते हैं। इस धोखे के कारण हम तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली में किस वजह से, कौन से ग्रह की वजह से आप धोखा ज़्यादा खा रहे हैं, उसके आप उपाय करने चाहिए। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बताने वाला हूँ, जो कि आप पूरे विश्वास के साथ इन उपाय को करिए, अगर आपके साथ भी ज़्यादातर ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या उपाय करें, गले में हमेशा शहद और चांदी का स्वास्तिक आप पहने रहें। अपने इष्ट का या शनि या मंगल का यंत्र आप धारण कर सकते हैं। अनामिका में आप तांबे का था, कनिष्ठा में आप चांदी का छल्ला हमेशा पहने रखें। घर में तुलसी आप अवश्य लगाएं, उसका पूजन करें, दीप दिखाएं, उसमें जल दें। कम से कम सप्ताह में एक बार प्रतिदिन आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ये है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। इसका हवन करें और इस मंत्र का जाप हमेशा आप करते रहें, अगर आप धोखा ज़्यादा खाते हैं तो। प्रेम या विपरीत लिंगी से धोखे से बचने के लिए पुराने बरगद की जड़ को गुरु मंत्र या निवारण मंत्र से आप अभिमंत्रित करके गले में पहनना, इससे काफ़ी उत्तम रहेगा। यदि यह जड़ आपको चुभती हो तो आप इसको पीले कपड़े में पहन सकते हैं। अगर मित्रों या संबंधियों से, परिचित आदि से व्यवहार में अगर आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, अगर आपके मित्र आपको बार बार धोखा दे रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी बचकर रहना चाहिए। भावुकता से आप बिल्कुल काम ना करें, शीघ्रता या आवेश में आप बिल्कुल निर्णय न लें। अपनी चेकबुक, बैंक अकाउंट या लॉकर की चाबी, एटीएम का नंबर भी, कि इसके विषय में भी आप बिल्कुल लापरवाही न करें, इसकी वजह से भी आप बार बार धोखा खा सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना होती है या आप भी बार बार धोखा खाते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और कुंडली के द्वारा आप उपाय जानें। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया कुंडली में धोखे के योग के बारे में। अगली वीडियो में कुछ विशेष लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव।